किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करने से पहले उस एग्जाम के सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस सेशन में हम एचपीएस एग्जाम का जो मेंस एग्जाम है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो जर्नी है उसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पहला अगर हम चरण की बात करें तो वो होता है सिलेबस को समझना और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करना, ताकि हमें ये समझ में आए कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, कमीशन हमसे क्या चाहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और उनकी प्रिपरेशन हम अच्छे से कर सके। राइट दोस्तों, तो इस सेशन में हम डिटेल्ड तरीके से सिलेबस को समझेंगे और इसकी शुरुआत हम करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि कितने पेपर्स हम अटेम्प्ट करते हैं एचपीएस एग्जाम के मेंस का जो चरण है, मेंस का जो स्टेज है वहां पर। तो इस एग्जाम में जिस तरीके से हम जानते हैं, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे किसी ने बीटेक किया हुआ होगा, किसी ने जो ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है किसी का, या फिर किसी का आर्ट्स का बैकग्राउंड है। राइट, तो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड होते हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। इस वजह से कमीशन ने अच्छे से ये चीज डिफाइन कर रखी है कि कुछ जो पेपर्स हैं हर एक बैकग्राउंड के व्यक्ति को कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं। 6 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि कंपल्सरी पेपर्स कहलाते हैं। कंपल्सरी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि किसी भी बैकग्राउंड से आप आओ, आपको इन पेपर्स को कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना होगा। राइट, दूसरा जो पार्ट है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑप्शनल कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के ऑप्शनल हो गए, ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल हो गए, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और पीएसआईआर हो गया। तो ये सारे ऑप्शनल होते हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शनल आपको चुनना होता है जिसके 2 पेपर्स होते हैं। राइट दोस्तों, अगर हम कंपलसरी पेपर्स की बात करें तो ये कंपलसरी पेपर्स में दो हम देख सकते हैं पेपर्स जो कि इंग्लिश एंड हिंदी के होते हैं। ये 2 पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि पहले के 2 जो पेपर्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। आपको एक स्पेसिफिक जो नंबर है उतना उतने नंबर आपको पाने होते हैं इन पेपर्स में, और अगर आपके उतने नंबर आ गए तो आप जो है क्वालिफाई हो जाते हो। सिर्फ क्वालिफाइंग होने का मतलब ये भी होता है कि इसके कोई भी मार्क्स जो है मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। जो मेरिट लिस्ट बनती है, जो हमारे मार्क्स जो सिलेक्शन के लिए कंसिडर किए जाते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स आप देते हो उनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। मार्क्स ऐड होते हैं यहाँ से जो एसए पेपर है वहां से लेकर ऑप्शनल पेपर्स के जो मार्क्स है वो सारे ऐड होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें 8 पेपर्स लिखने होते हैं जिनमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। अब बाकी पेपर्स की बात कर लेते हैं। एसए की अगर हम बात करें तो इसमें इस तरीके का पेपर आता है जहां पर आपको लेंथी आंसर लिखना पड़ता है, जिसे हम एसए कहते हैं। 900 वर्ड्स के एसे आपको लिखने पड़ते हैं और ये ऐसे टॉपिक्स से पूछे जाते हैं जो कि जनरली एक सिविल सर्वेंट को पता होने चाहिए और उस टॉपिक पर अलग अलग डायमेंशंस में वो जो है बता पाए, अपने सॉल्यूशंस दे पाए। इस तरीके के टॉपिक्स जो है आते हैं ताकि आपका जो एप्टीट्यूड है सिविल सर्विसेज के लिए, आपके जो खुद के वैल्यूज हैं, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग चीजों से रिलेटेड, वो उस एसे में समझ में आ जाए और एक चीज के कितने अच्छे से आप अलग अलग डायमेंशन से डिस्क्राइब कर पा रहे हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस जो कॉन्सेप्ट है या फिर इवेंट है उसको देख पा रहे हो, ये समझा जाए। साथ में आप कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो और प्रॉब्लम्स जो उस स्पेसिफिक इवेंट या चीज से रिलेटेड है उनको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो इन सभी चीजों को टेस्ट किया जाता है एसए के पेपर में, जो कि याद रखिएगा बहुत ही इजी टाइप का ऐसे नहीं होता है, सिंपल जो है नहीं होता है, वो रिलेटेड होता है। तो सम सोशल जो इश्यू हो गया लेट से उससे रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। राइट, तो ये जो एसए का पेपर होता है 100 मार्क्स के लिए होता है, हमारे क्वालिफाइंग पेपर भी 100 100 मार्क्स के लिए होते हैं। ये जो पेपर है एसए का, इसके मार्क्स ऐड होते हैं आपके फाइनल जो मेरिट है उसमें।
और तीन हमारे जीएस के पेपर्स होते हैं, जीएस 1, 2, 3, जिनको हम डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में दो पेपर्स होते हैं ऑप्शनल के, और ये दोनों जो पेपर्स हैं उनका सब्जेक्ट सेम होता है, एक सब्जेक्ट आप चुनते हो और उस पर जो है दो पेपर्स जो है आते हैं, और उन दो पेपर्स को आपको आंसर करना पड़ता है, राइट। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल तरीके से समझ लेते हैं। ये तीनों जो जीएस के पेपर्स है वो 200 मार्क्स के लिए ईच होते हैं, राइट। इसके साथ में जो ऑप्शनल के पेपर्स है वो 100-100 मार्क्स के लिए होते हैं, और इन सभी पेपर्स से रिलेटेड कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप इन पेपर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, और अगर आप देखो पहले दो जो पेपर्स हैं जो कि क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 100-100 मार्क्स का पेपर है, इसमें से आपको 40-40 मार्क्स तो लाने ही होते हैं। और ये जो पेपर्स हैं इनमें आपकी जनरल जो लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के स्किल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, ग्रामर टेस्ट किया जाता है। इन दो लैंग्वेजेस में आपकी जो निपुणता है वो कितनी है उसको टेस्ट किया जाता है, राइट दोस्तों। इसके साथ हमें ये भी समझना होगा, बाकी ये दो जो पेपर्स उनके बारे में तो हमने बात कर ली है, और बाकी पेपर्स की अगर हम बात करें तो इनमें एग्रीगेट 45% से ज्यादा आपको मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपके जो मार्क्स हैं वो मेरिट के क्वालिफाइंग होते हैं। ऑल्दो उस लिस्ट में आपका नाम आना या फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होना डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने ये जो एग्जाम है मेन्स एग्जाम है वो दिया है, साथ में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बट देन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने जो मार्क्स है वो तो आपके होने ही चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिलाकर, ठीक है। इसके साथ में जो लेवल होता है उसकी भी डिस्कशन करना जरूरी है। इंग्लिश एंड हिंदी पेपर्स का लेवल अगर हम देखें तो 10+2 का लेवल होता है, 12th क्लास का लेवल होता है। बाकी पेपर्स जो है वो ग्रेजुएशन या डिग्री के लेवल के पेपर्स आते हैं, ठीक है, GS1, GS2, GS3, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो डिग्री लेवल के क्वेश्चन उसमें आते हैं। इसके साथ हर एक पेपर के लिए सारे जो पेपर 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया या फिर 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया, आपको 3 घंटे मिलते हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं कि 3 घंटे में आप उस पेपर को आंसर कर पाओ। रैंकिंग की मेरिट की अगर हम बात करें तो पेपर 3 से लेके 8 तक जो पेपर्स हैं उनके बेसिस पर मेरिट एंड रैंकिंग डिसाइड होती है, राइट दोस्तों। अब पेपर 1, 2 और 3 जो कि पहले के 3 पेपर्स थे जिस तरीके से हमने देखा, जो कि हमारे क्वालिफाइंग पेपर्स एंड एसे, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पेपर 4। ये पेपर 4 जो है जनरल स्टडीज 1 इसका पेपर है, और कमीशन ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेपर का जो सिलेबस है क्या आपको पढ़ना है वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। अब जीएस पेपर 1 का यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलती है इंडियन कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहला यूनिट 1 का जो यूनिट 1 को अगेन 3 सब यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है कमीशन ने, और इसमें पहले सब यूनिट में हम इंडियन कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, सेकेंड सब यूनिट में हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, और तीसरे सब यूनिट में हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री हम देखते हैं। तो हर एक यूनिट में आप ये देखोगे कि तीसरा जो सब यूनिट है उसमें हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसका जो है सिलेबस दिया हुआ होता है, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड होता है तीसरा सब यूनिट हर एक यूनिट में। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा यूनिट होगा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। यूनिट 3 जो कि जीएस 1 में है वो इंडियन सोसाइटी का है, और एथिक्स एंड गांधीयन थॉट, तो ये एक टॉपिक है जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो कि गांधीयन थॉट, ये टॉपिक जो है हमें यूनिट 3 में देखने को मिलता है, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सब यूनिट 3 है वो सारे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड टॉपिक्स का सिलेबस वहां पर जो है दिया हुआ है। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जीएस 1 की हम बात कर रहे हैं, यूनिट 1 में हम देख रहे हैं ये 3 सब यूनिट्स। सब यूनिट 1 एंड 2 में क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं। सब यूनिट 1 की अगर हम बात करें
सबसे पहली चीज यहाँ पर है कल्चर। कल्चर के टॉपिक्स दिए हुए हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के, जहां पर आर्ट एंड कल्चर की जो बात की जा रही है उसमें हम लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अलग अलग जो बुक्स हैं, लिटरेचर है जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज को डिस्क्राइब करता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन हम देखते हैं कि आते हैं और सिलेबस से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। इसी वजह से सिलेबस के एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और प्रीवियसली किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आर्ट फॉर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल एंड रॉक कट टेम्पल्स यानी कि आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं एंड पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप मेंस का जो पेपर है उसमें देखोगे। अब दूसरा पार्ट यहां पर है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी से 1980 तक और उसके बाद जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, इन दो चीजों को एनकंबास करता है। तब यूनिट टू की अगर हम बात करें तो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में स्पेसिफिक टॉपिक्स किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद से कैपिटलिज्म कैसे आया, इससे रिलेटेड जो फासिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई और उसके जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस थे, जो हिटलर और नाज़िज़्म इन सभी चीजों का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में वर्ल्ड वॉर्स एंड वर्ल्ड वॉर जब हुए और उसके बाद जो बाउंड्री सेटलमेंट्स हुए, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निटी, ये सब पर जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक के जो टॉपिक्स है वो सब यूनिट टू में हम देखते हैं। अब सब यूनिट थ्री की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैं, एमर्जेंस एंड ग्रोथ जो मिडिवल हमारे स्टेट्स हैं उनकी बात की गई है और यहाँ पर गोरखा इन्वेशन, हिल स्टेट्स किस तरीके से कंसोलिडेट होते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस उस समय पे क्या थे, बेघर और हमारी जो रीत के कस्टम्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, किस तरीके से ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स एस्टैब्लिश हुए हैं। अब देख लीजिए थोड़ा मॉडर्न टाइम का जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, नेशनल मूवमेंट और हिमाचल में इससे रिलेटेड जो प्रजामंडल मूवमेंट्स चले थे उसके बारे में पूछा जाता है, 5-year plans और हिमाचल जो हमारा हिल स्टेट है उसमें वहां पर जो ये 5-year plans को इम्प्लीमेंट किया गया था उसके बारे में, एंड सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज जो हिमाचल का है, टेम्पल, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, पेंटिंग्स जो अलग अलग रिलीजन्स के वजह से जो कि यहाँ पर प्रिवेल कर रहे थे, अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर और कल्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। राइट दोस्तों, यूनिट वन की बात कर ली हमने, यूनिट टू की अब बात करते हैं। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन ज्योग्राफी और साथ में हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, इन तीनों टॉपिक्स को जो है दिया गया है। इसमें सब यूनिट वन की अगर हम बात करें तो डिजास्टर्स से रिलेटेड पूछा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, पहला जो टॉपिक है हमारा है वो है डिजास्टर्स को इंट्रोडक्शन, सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या होते हैं डिजास्टर्स के, जिस तरीके से हम जानते हैं अलग अलग डायमेंशंस हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि हाईली रिस्की एरियाज होते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स का रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके वजह से क्या जो है इम्प्लीकेशंस होंगे इसके और हजार्ड क्या होता है, ये सब पर जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ द कंट्री यानी कि अलग अलग एरियाज में, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट जहां पर हिमाचल है वहां की अगर हम बात करें तो हम मेनली लैंडस्लाइड्स हो गए, फ्लड्स हो गए, इनकी बात करेंगे, इवन अर्थक्वेक्स की बात करेंगे हिमालयन बेल्ट में, राइट इसके साथ में अगर हम ईस्टर्न साइड या फिर कोस्टल एरियाज की बात करें तो सुनामी, साइक्लोन्स की हम बात करते हैं। इस तरीके से प्रोफाइल अगर हम बनाए पूरे इंडिया का, उसकी उसके बारे में जो है क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोचेस क्या होने चाहिए, ऐसे डिजास्टर्स हो रहे हैं तो क्या अप्रोचेस होने चाहिए, किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए। अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो अर्बन फ्लडिंग की काफी बात की जा रही है, अलग अलग सिटीज में फ्लडिंग बहुत हो रहा है,
राइट तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख सकते हैं एग्जाम में। डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स क्या है, इंटर रिलेशनशिप डिजास्टर एंड डेवलपमेंट का, ये डिजास्टर जो है वो डेवलपमेंट को जल्दी होने नहीं देता और अगर हो रहा है तो उसे डिस्ट्रॉय करते रहता है, तो कैसे हमें मैनेज करना है और इंडिया में किस तरीके के पॉलिसीज एंड लॉज आए हैं इससे रिलेटेड, वो उस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ हम सब यूनिट टू की को अगर देखें तो जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया और इंडिया में किस तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं उनकी डिस्कशन की जाती है। हम जानते हैं कि इंडिया का स्ट्रक्चर एंड रिलीफ बहुत ही वेरिंग है, आप जो है हिमालयस जैसे माउंटेन्स को देखते हो और दूसरे साइड हम समुंदर है को देखते हैं, आइलैंड्स हैं, इन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइमेट इसके वजह से बहुत ही वेरिंग है, सॉइल्स वेरिंग है, वेजिटेशन, इनके बारे में क्वेश्चंस और ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, अर्बन पॉपुलेशन, माइग्रेशन क्या किस तरीके का हो रहा है, लैंग्वेज जो लिटरेसी है वो, विलेजेस एंड टाउन्स एंड सेटलमेंट्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, जो कि ह्यूमन एस्पेक्ट से, ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से उनको भी पूछा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो है हमारे टॉपिक्स है। इसके साथ अगर सब यूनिट थ्री की हम बात करें, यहाँ पर मेनली आपको ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होता है, रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन क्या है, क्लाइमेट किस तरीके का है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि हिमाचल में बहुत ही समर्स जो है माइल्ड होते हैं, राइट, क्योंकि हिमालयन स्टेट है ऑब्वियसली, तो ये जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आप देखते हो। ज्योग्राफिकल रीजन जो हिमाचल प्रदेश में है, अलग अलग शिवालिक हो गया, दून हो गए, हमारे लो वैलीज हो गए और जो मिड हिल ट्रैक से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और हिमाचल से रिलेटेड ह्यूमन एस्पेक्ट्स और पॉलिसीज जो बनाए गए हैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, उन पर क्वेश्चंस आते हैं। फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म पॉलिसीज हो गए, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि टॉपिक्स है जो कि हम हमारे सिलेबस में देखते हैं, राइट। अब हम देख रहे हैं यूनिट थ्री, जहां पर इंडियन सोसाइटी, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट, इसके साथ में सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आता है। इसको अगर हम देखें तो इंडियन सोसाइटी के काफी अच्छे से जो डिमार्केट करके टॉपिक दिए हुए हैं, जहां पर सेलियंट फीचर्स क्या है इंडियन सोसाइटी के, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन सोसाइटी में है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इनका किस तरीके का फॉर्म है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड, चाइल्ड राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो सोसाइटी एज वेल एज सोशल जस्टिस के टॉपिक्स यहाँ पर आप देखते हो। सब यूनिट टू की अगर हम बात करें, यहाँ पर एथिक्स से रिलेटेड कोर वैल्यूज क्या होने चाहिए पब्लिक सर्विस या गवर्नेंस में, तो इंडिविजुअली हमारे वैल्यूज जो है वो तो होते हैं, बट पब्लिक सर्विस में किस तरीके के वैल्यूज होने चाहिए, क्या डिजायरेबल है, क्या होना चाहिए, इस टॉपिक का मेन मतलब वो है। फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है ऑफ पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे जो एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। फिलोसॉफिकल बेसिस अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कोई ग्रेट पर्सन हो उनके थॉट प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हो, जैसे इंडिया में नॉन वायलेंस का बहुत ज्यादा जो है फॉलो किया जाता है, जो गांधी जी के आदर्शों को हम फॉलो करते हैं, इस तरह के जो है टॉपिक्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, चैलेंजेस, करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स जो होते हैं, ये सब के एथिकल डायमेंशंस क्या है और किस तरीके से इनको एथिकल में डील करना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर देखिए गांधीयन थॉट, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, एंड एंड्स एंड मींस, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो गांधीयन थॉट एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा जो है डरते हैं बच्चे इसको प्रिपेयर करने में, बट देन ये काफी सिंपल सा टॉपिक है, जहां पर गांधी जी के जो आइडियल्स हैं, उनके वैल्यूज हैं, उनके बारे में पूछा जाता है, उनका जो मेथडोलॉजी है सत्याग्रह का उसके बारे में पूछा जाता है, एंड्स एंड मीन्स की मेथड जो है, और रिलीजन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड उनकी क्या थॉट थी, ये जो है टॉपिक्स हैं विद रेस्पेक्ट टू सब यूनिट टू। सब यूनिट थ्री की अगर हम बात करें, सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश,
यहाँ हिमाचल के कल्चर कस्टम्स फेयर जिस तरीके से हम जानते हैं काफी ज्यादा डाइवर्स रीजन है हिमाचल, और यहाँ पर अलग अलग तरह के कस्टम्स फेयर जो है उनको सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्राइब्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। फैमिली मैरिज किनशिप के किस तरीके के फॉर्म से हिमाचल प्रदेश में, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे, और ये सारे टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं पेपर 5 जो कि जनरल स्टडीज 2 है, इसमें भी 3 यूनिट्स है 1, 2, 3, और इसमें 3-3 सब यूनिट्स आप देखोगे। यूनिट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी और हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी, ये टॉपिक्स है। यूनिट 2 में इंडियन गवर्नेंस और इंडियन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के कुछ टॉपिक्स हैं, एंड गवर्नेंस हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का जो है सेटअप किया जाना है या फिर सेटअप किया गया है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। अब यूनिट 3 में इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। साथ में साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से एस्टैब्लिश की जानी, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब यूनिट 1 को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी और हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी, ये 3 टॉपिक्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से जो है बना और हिस्टोरिकली क्या हमारे जो है स्टेप्स थे उन सब से रिलेटेड टॉपिक्स है यहाँ पर। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे ये सारे टॉपिक्स और अमेंड किस तरीके से किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सब यूनिट 1 का पूरा जो है टॉपिक्स का लिस्ट है। सब यूनिट 2 में हम पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, इनके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो यूनियन एंड स्टेट्स के हैं उनके बारे में जो है पूछा जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बेसिस पर जो हमारे इलेक्शंस होते हैं। साथ में अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किस तरीके से होता है, एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाता है, राइट दोस्तों। तो ये टॉपिक्स आप जो है देख रहे हो इन सब यूनिट 2। सब यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो हिमाचल का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो है हमारे यूनियन टेरिटरी बनी और उसके बाद हमने स्टेटहुड जो है वो एस्टेब्लिश किया। इसके साथ में कई रीजन्स है जिनको हिमाचल प्रदेश में सब्ज्यूम किया गया, पंजाब के कई रीजन्स, तो ये सारी जो पॉलिटिकल चेंजेस और इनसे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स आए हैं उन पर क्वेश्चंस आते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज ऑफ स्टेटहुड, इस टॉपिक की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट एंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से यहाँ पर हुआ है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है हमारी जो हिमाचल की असेंबली है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म एंड प्रेशर ग्रुप्स, तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि हम जानते हैं कि सब रीजनलिज्म जहाँ पर अलग अलग जो थॉट प्रोसेस है, अलग अलग लोग जो हैं वो अपने खुद की थॉट के वजह से एक रीजनलिज्म और स्पेसिफिक अपने खुद के एरिया के बारे में सोचने लगते हैं, तो इससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर जो है क्वेश्चन आते हैं। प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से फॉर्म किए गए हैं, राइट, तो जो कि प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को कुछ डिसीजंस लेने से रिलेटेड, उस पर वो जो टॉपिक है इंक्लूडेड है यहाँ पर। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो हिमाचल प्रदेश में हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि किसी एक्ट के बेसिस पर एस्टैब्लिश किए गए हों, इसी तरीके से कोई बॉडीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल बॉडीज है बट किसी एक्ट का बेसिस उनका नहीं है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो टॉपिक्स मेंशन है यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। यहाँ सब यूनिट 1 में इंडियन गवर्नेंस और सब यूनिट 2 में इंडियन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और सब यूनिट 3 में हिमाचल की जो गवर्नेंस है उस पर क्वेश्चन आते हैं। और सब यूनिट 1 के टॉपिक्स को अगर हम देखें तो गवर्नेंस के टॉपिक्स यहाँ पर आप देखते हो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, वो डेवलपमेंट क्या है, सिटीजन चार्टर, गुड गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और सेकेंड सब यूनिट में हम रोल ऑफ एनजीओ क्या है, एसएचजी क्या है, इसके साथ
शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज प्रोग्राम्स, वेमेन माइनॉरिटीज से रिलेटेड पॉलिसीज एंड इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां पर लाइवलीहुड पॉवर्टी, इनके वजह से जो मार्जिनलाइज्ड जो पीपल रह जाते हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज क्या है, वो सारे टॉपिक्स आपको सब यूनिट टू में देखने को मिलेंगे। अब सब यूनिट थ्री में गवर्नेंस जो हिमाचल प्रदेश में है, इसका सेटअप जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ये और राइट इंफॉर्मेशन एक्ट को किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पर जो पूरा सेटअप है हिमाचल प्रदेश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उस पर जो ये टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं। इश्यूज, चैलेंजेस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या है फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। गवर्नेंस एंड थोड़ा सोशल जस्टिस के जो टॉपिक्स है वो आप देखते हो इन दिस सब यूनिट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं टू यूनिट थ्री, इसमें तीन सब यूनिट जिनमें दो पहले के जो दो सब यूनिट है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हैं, बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स और स्पेसिफिकली लुक ईस्ट पॉलिसी का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, और इस टॉपिक को आपको जो है स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके साथ इंडिया के रिलेशंस अलग अलग कंट्रीज से किस तरीके से, यूएसए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन पर। सब यूनिट टू में एफेक्ट्स जो है अलग अलग पॉलिसीज जो कि वर्ल्ड लेवल पर डेवलप किए जाते हैं, साथ में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के जो अलग अलग पॉलिसीज हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट पर, इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उससे उस पर किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं। इंडियन डायस्पोरा यानी कि ऐसे लोग जो इंडियन से और बाहर रह रहे हैं, एनआरआईस हो गए, उनके वजह से किस तरीके से जियोपॉलिटिकल चेंजेस आते हैं और कैसे इंडिया के इंटरेस्ट में उसको हम जो है ला सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज जो है उनका स्ट्रक्चर एंड मैंडेट क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल WTO हो गया, IMF हो गया, इनसे रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस हमारा हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सब यूनिट थ्री में अगेन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड साइबर क्राइम एंड ड्रग मेनेस जो हिमाचल प्रदेश में है, इस पर गवर्नमेंट किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करती है, क्या सेटअप है, उस पर जो है ये टॉपिक्स बात करते हैं। एनएक्टमेंट जो हिमाचल में किए गए हैं जो कि प्रमोट करते हैं एग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चरल जो सोसाइटी है, तो मोस्टली हमारे हिमाचल में हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज लॉस बनाए गए हैं फॉर देयर वेलफेयर हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर ये जो टॉपिक्स है वो बात करते हैं। वेरियस पॉलिसीज जो बनाए गए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उन पर, और ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं वो आपके जो है सब यूनिट थ्री के टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज थ्री की अब बात करते हैं, जो कि पेपर सिक्स है। इसमें भी तीन यूनिट्स हैं, तीन तीन सब यूनिट्स ईच यूनिट में है, जहां पर पहले यूनिट में इंडियन इकोनॉमी और हिमाचल की इकोनॉमी के टॉपिक्स है, दूसरे यूनिट में स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन एनर्जी रिसोर्सेज और हिमाचल प्रदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप किया गया उसके बारे में बात किया जाता है, तीसरे यूनिट में सब यूनिट वन में एनवायरनमेंट और एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब यूनिट टू में हम देखते हैं, सब यूनिट थ्री में टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल की इकोनॉमी में, उस से रिलेटेड टॉपिक से। तो ईच यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट वन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, तो डेमोग्राफी के टॉपिक्स है सबसे पहले, और इसके बाद सेक्टरल कॉम्पोजिशन, अलग अलग सेक्टर्स किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर ये दूसरा टॉपिक है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन टॉपिक्स से इंक्लूसिव ग्रोथ का जो पूरा सेटअप है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ये किस तरीके से प्रिवेल कर रहे हैं इन इंडियन सोसाइटी, उस पर आता है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है उस पर इन्फ्लेशन के वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा फ्रेमवर्क है और कौन से एक्ट्स एंड लॉस के बेसिस पर आरबीआई को जो भी काम दिया गया है, जो मैंडेट दिया गया है उसको फुलफिल किया जाता है। बैंक्स जो हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली, वो टॉपिक्स यहाँ पर है। मॉनिटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो बनती है हमारी, उस पर जो है ये टॉपिक्स से क्वेश्चन। तो हमने सब यूनिट 1 और 2 ये देख लिया, अब सब यूनिट 3 के टॉपिक्स यहाँ पर देखते हैं। सब यूनिट 3 में हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड टॉपिक्स है, किस तरीके से डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हिमाचल का वो यहाँ पर पूछा गया है। और इसके साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स से हिमाचल प्रदेश के स्टेट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सेक्टरल कॉम्पोजिशन। अगला जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर है, हिमाचल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, रेवेन्यू जनरेशन क्या है, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं हिमाचल की इकोनॉमी में। टैक्स बेस, प्रोस एंड कॉन्स, जो हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है हिमाचल का उससे रिलेटेड, और अप्रेजल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उस पर ये आखिरी जो टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की बात करते हैं। अब यूनिट 2 में हम स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हिमाचल में है उससे रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं। तो इसका सब यूनिट 1 में एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो के किस तरीके के डेवलपमेंट्स है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और क्या क्या अभी लेटेस्ट मिशंस है उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है यहाँ पर आपको प्रिपेयर करने होते हैं। रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो इसरो लॉन्च कर रहा है, और अलग अलग एप्लीकेशन से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं इसरो के उस पर जो टॉपिक्स हैं लेटेस्ट हैं उनको आपको प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो सब यूनिट है थोड़ा सा डायनामिक होता है क्योंकि लेटेस्ट जो लॉन्च है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन पर क्वेश्चंस आते हैं। ये भी थोड़ा डायनामिक है, ये एनर्जी वाला जो टॉपिक्स हैं उन पर ये सारे जो है आपको प्रिपेयर करने होते हैं। एनर्जी की अगर हम बात करें हिमाचल में मेनली हाइड्रो पावर से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो सबसे पहला टॉपिक आप देखोगे डेवलपमेंट जो हाइड्रो पावर में है वो, राइट। ऑल्दो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थर्मल एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ डेवलपमेंट्स इन एनर्जी सेक्टर जो कि हाइड्रो पावर हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हो गए, न्यूक्लियर एनर्जी के जो पॉलिसीज हैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेस किस तरीके का रोल प्ले करता है एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो एनर्जी रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये टॉपिक उस चीज की बात करता है। तब यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हिमाचल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो हिमाचल का है, इसके साथ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, हॉर्टिकल्चरल जो हमारा पूरा सेटअप है उसमें किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है, हिमाचल की आईटी पॉलिसी हो गई, हिमस्वान जो हमारा नेटवर्क है, AGISSE जो यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सेंटर है उस पर क्वेश्चन आते हैं, स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी और अलग अलग वजह जिनके वजह से स्टेट की जो बायोडाइवर्सिटी उसका इफेक्ट हो रहा है, एंड रिलेवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, इस पर जो टॉपिक्स है आपको इसमें जो है प्रिपेयर करने होते हैं सब यूनिट 3 में। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की बात करते हैं, यहाँ पर एनवायरमेंट और एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके साथ में टूरिज्म जो हिमाचल प्रदेश में उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, इश्यूज कंसर्न्स क्या है, स्टेट एनवायरमेंट रिपोर्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, हिमालयन इकोलॉजी और बायोस्फीयर रिजर्व, साइंस एंड इकोनॉमिक्स जो क्लाइमेट चेंज के हैं, सोशल एंड एथिकल इश्यूज जो कि बायोटेक्नोलॉजी के, उन पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये जो है टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। सब यूनिट 2 में आप देखोगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसने हेल्प किया हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड हर्बल रिसोर्सेस के डेवलपमेंट में। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर रही है इसमें, और एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स आप देखोगे इन दिस सब यूनिट 2। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने होते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल जो सब यूनिट है उसकी बात करते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी बेस्ड मोस्टली ये सारे टॉपिक्स है, जहां पर टूरिज्म पॉलिसी में बात की गई है अबाउट द टाइप्स ऑफ टूरिज्म जो हिमाचल में रिलीजियस, एडवेंचर, हेरिटेज, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट जो लोकेशंस है उन पर, और टूरिज्म की वजह से किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इफेक्ट, इको टूरिज्म हमने डेवलप किया है इससे रिलेटेड, तो इको टूरिज्म क्या है, ग्रीन टूरिज्म क्या है, और फाइनली एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि आप देखते हो इन तीन पेपर्स में, पेपर 4, 5 and 6। अब लास्ट जो हमारे पेपर 7 and 8 है वो ऑप्शनल पेपर्स है, अलग अलग ऑप्शनल आपको इसमें जो है मिल जाएंगे, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है या फिर जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर, या फिर आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ऑप्शनल चूज कर सकते हो, या फिर अवेलेबिलिटी जो आपकी मटेरियल की है उसके बेसिस पर। ये जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन जो हुआ है वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है, कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको दिखा दिए गए हैं, इंडियन हिस्ट्री, PSIR, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी, फिलोसफी हो गया, लॉ, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी हो गया, जियोलॉजी, फिजिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और मेडिकल साइंसेस। ये 31 जो है ऑप्शनल्स प्रोवाइड करता है हमारा कमीशन, और इन ऑप्शनल्स को आपको चूज करना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसी समय, यानी प्रीलिम्स से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि ऑप्शनल क्या चूज करना है, और वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना पड़ता है। साथ में इंग्लिश में आप ये ऑप्शनल का पेपर दोगे या फिर हिंदी में, वो भी आपको देना पड़ता है। आपके पास ऑप्शन है कि इस ऑप्शनल के पेपर को आप आंसर करो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ये ऑप्शन होता है और वो आपको पहले ही बता देना पड़ता है। और इन ऑप्शनल्स में स्पेसिफिक एरियाज ऑफ टेस्टिंग होते हैं, यानी कि आपको इन ऑप्शनल्स का जो दो पेपर्स हैं उनमें जिस तरीके से डिग्री लेवल पर जो टेस्ट किया जाता है उसी तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं, और उसी तरीके से आपकी मार्किंग और रैंकिंग जो है उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने समझी सभी पेपर्स से रिलेटेड। आई होप आपको मेंस का सिलेबस बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आप अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन करिएगा। इसके साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कभी भी कॉल कर सकते हो हमें ऑन दिस नंबर ऑन वर्किंग डेज, और hello@edutab.co.in पर आप अपना मेल भी ड्रॉप कर सकते हो, राइट। दोस्तों आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा मेन सिलेबस को समझने के लिए। इसके साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू।